मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथिली तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज आपको सिखाया जाएगा भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं भिन्न और इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। तो इनको किस तरीके से समझा जाए, कैसे इनको जोड़ा जाए, इसमें चार पांच चीज़ें आपकी आती हैं जो मैं बताने वाला हूँ। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बात इंग्लिश में करें जैसे एडिंग प्लस करना, घटाना सब्ट्रैक्ट माइनस करना, गुणा करना मल्टीप्लाई और भाग करना डिवाइड कहा जाए। इन क्वेश्चन को करते हैं बच्चे, डरते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं किस तरीके जोड़ा जाए इनको, किस तरीके से घटाया जाए। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जो बच्चों को परेशानी आती है इनको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भाग करने में, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानियां और दिक्कतें दूर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये हल किए जाते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम सीखेंगे जोड़ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को लेने से पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये भिन्न के अंदर। मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है और भाई है दो, उन दो भाइयों को मैं ये रोटियां बांटनी है, तो दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से दिया जाना चाहिए। अगर किसी कम या ज्यादा दोगे तो वो नहीं मानेगा, तो इसलिए क्या करना है, इसको दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये जो हाफ पार्ट है इसको लिखेंगे एक बट्टे दो, इसका भी मतलब एक बट्टे दो। ये एक बट्टे दो क्यों लिखा गया, क्योंकि पूरी रोटी में से कितने पार्ट हो गए उसके, दो पार्ट, और हमने एक भाई को ये वाला एक पार्ट दिया, तो मतलब दो पार्ट में से उसको एक पार्ट मिला, दूसरे भाई को भी दो पार्ट में से उसको एक पार्ट मिला। तो इसका मतलब एक बट्टे दो मतलब आधी आधी रोटी हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी। इसी तरीके से अगर हम इसके चार पार्ट करते हैं, ये चार पार्ट कर दिए तो टोटल पार्ट कितने हैं, चार, तो सबके बटे में हम चार लगा देंगे। और ये कौन सा पार्ट है चारों में से, एक पार्ट, एक बटे चार। ये कौन सा पार्ट है, दो, ये भी अकेला है एक बटे चार, ये भी अकेला है एक बटे चार, ये भी अकेला है एक बटे चार। लेकिन मान लीजिए अब इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस लेकर आने वाला हूं, क्या कि इन दो पार्ट्स को मैं कलर कर देता हूं। तो अब आपसे पूछा जाता है जो कलर्ड पार्ट है वो कितने हैं, तो हम कहेंगे एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट है, और टोटल कितने में से, एक दो तीन चार, चार में से दो पार्ट। तो ये आपका फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है कि पी अपॉन क्यू, इसको अंश बोलते हैं, न्यूमिरेटर, इसको हर बोलते हैं डेनोमिनेटर, जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वो जो नीचे लिखा होता है वो एक सिंगल चीज का टोटल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मली मैं लेता हूं, एक चॉकलेट है, बड़े भाई को इस चॉकलेट में दो पार्ट देने, बड़े भाई को बिग ब्रदर कितने पार्ट दिए जाने, दो, और उसके दो छोटी सिस्टर्स हैं उनको तीन तीन पार्ट्स दिए जा रहे हैं। इसमें स्मॉल सिस्टर्स कितनी है, दो, उनको कितने पार्ट, तीन, तीन, तो तीन तीन छह और दो आठ, इसको आठ पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, चॉकलेट हमारी ये है। अब आठ पार्ट्स में बांट दिया, बड़े भाई को दो पार्ट्स मिले, कितने में से, आठ में से, दो पार्ट्स कितने में से, आठ में से। उसे छोटी सिस्टर को कितने पार्ट्स मिले, तीन पार्ट्स, कितने में से,
टोटल 8 में से, और उससे छोटी सिस्टर को कितने मिले, 3 पार्ट्स, कितने में से, 8 में से। तो अब आप समझ गए होंगे 3/8 का मतलब क्या होता है। अब आप ये बताइए कि आपसे कहा जाए 1/2 + 2/3 को जोड़िए, तो क्या आप इनको जोड़ पाएंगे? इनको जोड़ने के लिए क्या करा जाता है, हम भी यही बताते हैं कि आप पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके फिर उसको सोल्व कीजिए। वो थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। सब मैं आपको एक चीज, यहाँ 3 या 4 तरीके हैं इसके जो मैं आपको यहाँ बताने और सिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से आप देखते रहिए उनको कैसे जोड़ना है वो। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन जोड़ना बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1/2 + 2/3। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 + 2 + 3 = 5 और 1 + 2 = 3, बस ये आंसर हो गया। तो ये आंसर गलत है। अगर इस तरीके से जोड़ा जाता है तो ये आंसर, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसको जोड़ने का आसान और सही तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका तो ये कहता है कि आप नीचे वाले डिजिट की मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 = 6, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7/6। पहला तरीका।